इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी का जो पीटी पीएचटी का जो आपका एडमिट कार्ड है जो सीआरपीएफ जनरेट करने वाला था वो अपलोड हो चुका है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक एक्टिव है। और ये लिंक कहाँ से मिलेगा, तो लिंक मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप टेलीग्राम पे जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे कट कर देना है। कट करने के बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट ब्रांच, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कांस्टेबल जीडी के लिए स्टेटस और डाउनलोड कॉल लेटर फॉर पीएसटी और पीटी ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ राइफल, ये सब दिया हुआ है। और 24 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एक फिजिकल चलने वाला है। इसके बीच में जो भी डेट में आपका पड़े वो डेट आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड कैसे करें आप अपना, तो फर्स्ट मेथड है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो कैप्चा है 3+4 यानी 7 डाल के सर्च करने पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपको रोल नंबर याद है तो आप रोल नंबर डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई करके यहाँ पे सर्च करने पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे रोल नंबर नहीं याद है तो अपना नाम दे सकते हैं, उसके बाद फादर नेम दे सकते हैं। यहाँ में नाम का जो आपका जो नेम है उसका नेम का फर्स्ट 4 कैरेक्टर आपको देना है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर, उसके बाद फादर नेम आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम का ही फर्स्ट 4 कैरेक्टर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे किसी एक मेथड से डाउनलोड करके आपको एडमिट कार्ड को दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश सर्च करने के बाद यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इसे स्क्रॉल आपको करते जाना है, फिर से सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पे खुलना शुरू हो जाएगा, एडमिट कार्ड जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा। तो देख सकते हैं वेबसाइट खुला, यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टेटस है डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेल कैटेगरी और आपका पीटी पीएचटी का वो स्टेटस, तो जो मेरा देख सकते हैं 24 तारीख पहला दिन ही दे दिया और 4:30 बजे रिपोर्टिंग है। और यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करने पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। एरर दिखाएगा, फिर से इसे रिफ्रेश करना है आपको। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो आपका शो हो जाएगा थोड़ी देर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे आया है इस तरह का एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपका एडमिट कार्ड में पीटी पीएचटी का इंस्ट्रक्शन दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करना है, वो सब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको पीटी पीएचटी देने जाना है। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।